आप सभी को मेरे नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम भास सैनी है और बल मैं भास सैनी में आप सभी का स्वागत है। पहले आपको सवाल समझाएंगे पढ़ के अच्छे से, ठीक है? सवाल है, एक रिटायर्ड फ्रूट सेलर है, ठीक है, जो 45% ऑफ द ऑरेंजेस, मतलब जितने भी उसपे ऑरेंजेस हैं, उसका 45% जानवी कपूर को सेल करता है, और एक और ऑरेंज जस्ट बिकॉज शी इज पापा की परी दे देता है, ठीक है? उसके बाद उसके पास कुछ बचते हैं, रिमेनिंग बचते हैं, ठीक है? देन सेल 20% ऑफ द रिमेनिंग, बचे हुए का 20% अनन्या पांडे को देता है, ठीक है? और दो और देता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल करी है फिल्म इंडस्ट्री में, उसके बाद आई है, ठीक है? अब फिर से कुछ बचेंगे उसके पास, तो बचे हुए का 90% वो आभास को देता है, ठीक है? मुझे देता है, आभास से नहीं, ठीक है? एंड नाउ उसके पास सिर्फ 5 बचते हैं, तो अब मैं बताऊंगा कि मैथ्स को कैसे यूज किया जाता है। अगर कोई पूछता है कि उसके पास कितने ऑरेंजेस थे, ठीक है, तो मैथ्स का डेली लाइफ में क्या यूज है वो समझाने की कोशिश करेंगे हम। तो हम पहले तो थोड़े से जो रिटार्डेड नहीं है, ठीक है, जो स्मार्ट लोग हैं उनको बताएंगे, दो मेथड से बताएंगे, तो दोनों मेथड ध्यान से देखना। पहला मेथड, आपने बोला कुछ नहीं है उसके पास, मान लो शुरू में कुछ थे, उसके बाद उसने 45% 45% जो है सेल कर दिए, तो बचे हुए कितने हो गए 55%, बट एक्चुअल में यहाँ पर एक ऑरेंज और है, ठीक है, एंड सो ऑन, एक स्टेप बाय स्टेप ट्री सा चल रहा है। तो आई यूज बैकवर्ड अप्रोच, ओके? बैकवर्ड अप्रोच मींस, ठीक है, कमजोर दिल वाले इसको ना यूज करे, है ना, क्योंकि जिनको मैथ से डर लगता है वो यूज ना करे। लास्ट में देखो, आप सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ो, आप इसने पूछा कि कितने इनिशियली थे, और उससे पहले वाली लाइन पढ़ो, तो इसमें क्या लिखा है उसने कि 90% ऑफ नाउ रिमेनिंग, और उसके पास 5 बच गए, तो मैं बोल सकता हूं कि इस लाइन का 10% 5 के बराबर है, तो इस लाइन का 100% 50 के बराबर होगा, यानी इस स्टेज पर 50 ऑरेंजेस होंगे। इससे पहले जाओ तो 50 ऑरेंजेस में ऑरेंजेस जुड़ेंगे, तो इस लाइन में मैंने पढ़ा कि 2 थे, तो अब आ गया 52। मैं इसको एक्स की मदद से भी बताऊंगा, क्योंकि जो इन लोगों की एक्स है वो तो धोखा दे देती है, तो हम अलजेब्रा में एक्स के यूसेज बताएंगे जो कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, 52 कहते हैं क्योंकि ऑरेंजेस पे ऑरेंजेस जोड़ दिए। अब ये जो था, ये 80% था, क्योंकि 20% उसने सेल कर दिया था, तो 80% मतलब ये 80% की वैल्यू है 52। तो यहाँ पे इस लाइन पे, यानी इस पर्टिकुलर सिचुएशन पे, इस पीछे से चल रहे हैं बैकवर्ड अप्रोच, ठीक है, तो इस पे 100% की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलोगे 52, और यहां पर आ गया 5/4, 4 से काट दो, 13×65, यानी इस स्टेज पे 65 थे उसके पास, इस स्टेज पे 65 थे। अब लास्ट लाइन पढ़ो, मतलब वैसे फर्स्ट लाइन है बट हम पीछे से जा रहे हैं, तो लास्ट लाइन पे 65 थे और एक और था, तो 66, और 45 मतलब 50, बचे में कितना है 55%, 55% की वैल्यू 66 है, यानी 5 की वैल्यू 6 है, तो अगर 100% की वैल्यू निकालोगे तो 120 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? कौन सर गई होगी, है ना, हर कोई नहीं समझ सकता, जिसने मेहनत करी है, जिसने टाइम दिया है, वो समझ सकता है, ठीक है? अब हम सिंपल एक्स की टर्म में, ठीक है, एक्स की टर्म में करेंगे, बट ये है कि ये वाला जो एक्स है ना, वो धोखा नहीं देगा बिल्कुल भी। आप ये मान लीजिए कि उसके पास शुरू में, जो रिटार्डेड फ्रूट सेलर है, उसके पास शुरू में एक्स थे, ठीक है, 45% उसने बेच दिए, तो उसके पास 55% बचा, तो 55 को 11/20 लिख सकता हूं। कोशिश भी मत करना कि 11/20, वो लोग बाय चांस मान लो कुछ ऐसे लोग देखने लग गए इसको, इस वीडियो को, हो सकता है, क्या पता, जो बिल्कुल ही मतलब थोड़ा सा बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है, तो उनको ऐसा लगेगा 11/20 क्यों लिखा, तो ये 55% ऑफ एक्स लिखा है, राइट?
हमारे एसएससी के छात्र तो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, दोनों मेथड अच्छे से समझ जाएंगे, एसएससी के, यूपीएससी के, रेलवे के, बैंकिंग के, सब छात्र समझ जाएंगे, ठीक है। बट जो स्ट्रगलर्स होते हैं, असली स्ट्रगलर्स, वो नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। और जो बिल्कुल भी मतलब जिनका नेपोटिज्म से कोई भी लेना देना नहीं है, वो नहीं समझ पाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 55%। अब आप बताओ, रिमेनिंग की बात करता हूँ, इसमें से अगर मैं 1 माइनस कर देता हूं तो कितने बचे? अब इतने में से फिर से 20% है वो उसने बेच दिए और अन्य पंडे को बेच दिए, तो अब आपके पास कितने हैं? अब आपके पास 80% है, यानी इस ब्रैकेट का 80%, 80% मतलब 4/5, और फिर 2 और चले गए, ठीक है। अब आपके पास इस स्टेज पे इतने बचे हुए हैं, और अब इसमें से भी 90% बेच गए, तो अब आपके पास कितने हैं? आपने बोल दिया 10%, यानी 1/10, तो इसी की वैल्यू दे रखी थी 5। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 50, 52, और यहां से भी 65, 66, और जैसे हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू 120। तो ये x की मदद से था, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन अब हम बात करते हैं बच्चों से, ये तो चलो एक सार्केज्म की बात हो गई, सार्केस्टिक वीडियो बना दी मैंने थोड़ी। अब बात करते हैं एसएससी जिनका मेंस है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आएगा, इसको अच्छे से कर लेना। इसको मैंने 2 मेथड से बता दिया, आप x की मदद से भी कर सकते हो और आप बैकवर्ड भी कर सकते हो, कम से कम 2 या 3 बार देख लेना, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, और आपको समझ में भी आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया मैंने, मैं पीछे से चलता चला गया, ठीक है, लास्ट लाइन फिर ऊपर ऊपर फर्स्ट लाइन पे पहुंच गया, तो मुझे पता चल गया 10% की वैल्यू 5, 100% की वैल्यू 50, ऑरेंजेस में ऑरेंजेस जोड़ दिया 80% की वैल्यू 52, 100% की वैल्यू आपकी सीधे निकल गई 65, इस स्टेज पे 65 थी। अब एक और जोड़ दिया, मतलब ऑरेंजेस में ऑरेंजेस जुड़ गए 66, 55% इक्वल्स टू 66, 100% इक्वल्स टू 120, ओके। सो बस यही बोलना चाह रहा था मैं कि 2 मेथड्स हैं। आई होप कि आप लोग इसको, इस वीडियो को बहुत पसंद करेंगे, और थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड, बाय।